दोस्तों, मैं नासिर आप सभी का लैपटेक्स में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं हम लोग एक सिक्स जनरेशन के बोर्ड के बारे में। हालांकि उसका डायग्राम भी नहीं है और ना ही उसका बोर्ड व्यू है। हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड में क्या दिक्कत है और उसका सॉल्यूशन भी पाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड के बारे में। तो ये बोर्ड है HP 650 G3 का प्रोबुक होता है ये। और इसमें मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस के ग्राउंड पर यहाँ पर काम करूँगा। तो मल्टीमीटर में भी आप देख सकते हैं जो मैं चेक कराऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 3-5 की क्या कंडीशन है, शॉर्टिंग तो नहीं है इसमें। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं। तो 3.3 वोल्ट, ये ठीक है, 100 किलो ओम से ज़्यादा आ रही है, ये सही है। ये होगी 3.3 या 5 वोल्ट होगी, दोनों में से है कोई भी, तो ठीक है। इसकी इम्पीडेंस, तो इसकी इम्पीडेंस भी सही आ रही है। ये दोनों 3-5 की ऐसी है, क्योंकि इसके पीछे 3-5 की ऐसी लगी हुई है। यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है और ना ये बन रहा है। तो ये 190 ओम, ये 291 ओम दिखा रही है और इसका वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं है और बोर्ड व्यू भी नहीं है। इधर की बात करते हैं, प्रोसेसर को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो सही है या ख़राब है? तो इस, ये बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है, मैंने पावर लगाया था, थोड़ा सा इसमें फिज़िकल दिखा है तो यहाँ पर क्लीन कर दिया है मैंने। ये एरिया है फिज़िकल का, थोड़ा सा लाइट जला देता हूँ मैं ताकि आप जूम करके देख लें। ये देखिए, ये एरिया आपको यहाँ पर पानी गया है और थोड़ा सा पानी यहाँ पर गया है, बस क्लीन कर दिया गया है, कुछ अभी चेंज नहीं किया है। और पावर डाला तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केस को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि कहीं प्रोसेसर शॉर्ट नहीं हो गया हो? तो यहाँ पर जितनी कॉइल पहले देख रही है, हमें सबकी इम्पीडेंस देख लेनी है। ये देखिए यहाँ पर कुछ है, हालांकि इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास, खाली मुझे डॉट अगर हो जाता है कि ये शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख रही है, ये लगता है छूट जा रहा है, 0.75 के करीब आ रहा है, ये भी ठीक ही है। यहाँ पर ये 64 ओम है, इसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि ये क्या है, देखने के लिए तो कुछ है नहीं। ये 186 है, यहाँ पर भी ठीक ही मानते हैं इसको। प्रोसेसर के लिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि स्काईलेक और कॉफ़ी लेक वगैरह जितनी भी प्रोसेसर आ रही है, नए 6th जनरेशन और 7th जनरेशन की जो प्रोसेसर है, इसका काम करने का जो इसका आर्किटेक्चर है, ये थोड़ा अलग है। इसमें कुछ बोर्डों का जो डायग्राम आपको मिल जाएगा तो उसमें वो लिखा होता है, क्योंकि पावर सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें ये बात पता है होती है, सॉरी उसके अंदर ये बात लिखी होती है कि आपको 3.35 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा, 5 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा और एक 1.1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट मान लीजिए ये आपको ऑलवेज मिलेगा, और एक 1.8 वोल्ट ये भी आपको ऑलवेज मिलेगा। इसके बाद जो कोर की वोल्टेज होती है वो ऑन होने के बाद, यानी S3 स्टेट जब एक्टिव हो जाएगी तब ये आपको मिल सकता है। अगर इसकी आउटपुट सही हुई, प्रोसेसर सही हुआ तो ये मिल जाएगा। तो वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में, तो कोर की वैल्यू होती है वो 6 ओम, यानी 5 ओम 6 ओम देखी गई है, ये ठीक होता है। इसके बाद एक है PCH की सप्लाई, इसकी मैं इम्पीडेंस चेक कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर 13 ओम दिखा रही है। हालांकि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में जो PCH की जो इम्पीडेंस थी वो 100 ओम से नीचे नहीं आती थी। अगर वो 100 ओम से नीचे होती, अगर 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में अगर PCH की इम्पीडेंस 100 ओम से कम मिलती थी तो उसे हम शॉर्ट कहते थे, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है प्रोसेसर में। लेकिन 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में क्या हो गया है, ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये अब 13 ओम 10 ओम के करीब आपको मिल सकती है, तो ये भी ठीक ही है। और एक नया चीज़ यहाँ पर डाला है, 1.1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट बोल सकते हैं इसको, ये 230 ओम है, यानी इसकी भी वैल्यू यहाँ पर मुझे सही लग रही है। तो अभी मैं पावर नहीं डालता हूँ, तो सबसे पहले चेक कराता हूँ मैं आपको कि RTC, चूँकि पानी गया है RTC के पास ही,
तो मुझे लगता है कि अगर RTC सही होगी तो प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ। CRO की सेटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, CRO कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन होती है, क्रिस्टल कैसे चेक करते हैं, सिग्नल को कैप्चर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मैं आपको तब दूंगा, ठीक है। तो आइए आप इसको ज़रा सा सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रॉप का निगेटिव लगाना है और एक्सटेंड पर आपको इसको रखना है। ये एक्सटेंड पर मैंने सेट किया इसे और अब मैं इसको चेक करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने क्रिस्टल के इनपुट पर रखा है ये। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी, आपको मैं चेक करा देता हूँ, CRO पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डॉट है कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ये कभी कम हो जा रही है कभी बढ़ जा रही है, यहाँ पर ये मुझे दिक्कत लग रहा है। आप ऑटो पर भी चेक कर रहा हूँ क्रिस्टल के, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप मैं कॉन्स्टेंट लगाए हुआ लेकिन ये फ्लक्चुएट कर रही है, जबकि मैं कांस्टेंट इसको 3.3 वोल्ट RTC से मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं आप इस RTC से मैं इसको कांस्टेंट वोल्टेज जा रही है, तो ये एक्टिव होनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है या RTC सेक्शन भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे पहले डॉट है कि RTC के एरिया में ही कुछ दिक्कत लग रही है, तो आइए इसको पहले हम चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पर पानी गया है। तो मैं क्रिस्टल ही पहले चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ।